ग्राम पंचायत रसूलपुरा पंचायत समिति श्रीनगर के ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर 40 वर्षों से रहवास बस्ती की भूमि किसी को सिवायचक से आबादी घोषित करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत रसूलपुरा के अंतर्गत ग्राम मदारपुरा में नई बस्ती नामक लगभग 50 घरों की रहवासी बस्ती है जो कि लगभग 40 वर्ष पुरानी है। बसी हुई बस्ती की जमीन की किस्म सेवाचक है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम स्थानांतरित है। अब बोलो क्या समस्या है, कहाँ से आओ? हम मदारपुरा से आए, नई बस्ती मदारपुरा से। हमारे को ये समस्या है कि हमारी बस्ती 50 साल से रह रहे हम लोग और हमारी कोई आबादी वाबादी नहीं हुई। हमारे को आबादी चाहिए और पानी चाहिए। हमारे को पानी नहीं आता है, हमारे नलों में चार चार दिन तक पानी नहीं आता है। नई बस्ती जो कि मदारपुरा गांव में है और इस गांव में पिछले 50 से 60 सालों से लोग रह रहे हैं और गांव जो आबादी की जो जनसंख्या है वो 500-600 लोग हैं, बट प्रशासन ने कभी इस आबादी पर ध्यान नहीं दिया, ना ही हमें गांव में किसी भी गांव आबादी में किसी को भी पट्टे रहने के लिए पट्टे नहीं है हमारे पास में, ना ही हमारे पास कोई पानी की समस्या जो हमारे पानी की समस्या है, ना ही उसका कोई सोल्यूशन किया है, ना ही जहाँ हम रह रहे हैं हमारे पास पट्टे हैं। तो हमारी जो प्रशासन से यही मांग है कि जो पिछले 40 से 50 सालों में जो लोग रह रहे हैं उन्हें हमें पट्टे दिए जाए, हमारे गांव जो हमारे रहने के लिए घर है उनके घरों के पट्टे दिए जाए और जो हमारी सबसे भारी समस्या जो पानी की है वो पानी के घर घर में पानी कनेक्शन दिए जाए। हमारी प्रशासन से यही मांग है, उन्हीं मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर आज कैसे हैं। हाजी कितने समय से कनेक्शन नहीं है पानी का? कनेक्शन ही नहीं है हमारे पास। आज की तरफ पानी कहाँ से पीते हो? हैंडपम्प है हमारे पास, बोरिंग है हमारा हैंडपम्प है, वहाँ से हम पानी पी रहे हैं। कितने हैंडपम्प लगे हुए हैं जो हमारे गांव में? 8 से 10 है। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।